ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। देवबंद के ग्राम हाशिमपुरा में रंजिश में युवक की बेहरमी से पिटाई की गई। ग्राम के ही ब्रह्मपाल ने बताया कि उस्मान नामक युवक, जिसकी गांव में मुर्गी की दुकान है, उसे कल भी रंजिशन पिटाई की गई थी और उस्मान और ब्रह्मपाल मुर्गे का चारा डालने के जा रहे थे, तो उस पर आज फिर दर्जनों लोगों ने बेहरमी से उस्मान की पिटाई की गई। जब ब्रह्मपाल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ब्रह्मपाल को भी धमकी देकर भगा दिया, जिसकी सूचना तुरंत ब्रह्मपाल ने पुलिस को दी और पुलिस ने उस्मान की जान बचाई। मेरा नाम ब्रह्मपाल है। क्या हुआ? ये उस्मान नाम का लड़का जो है, इसके साथ में कल भी रंजित भाई चली थी, कल भी पिटा है और आज ये अपने मुर्गे की दुकान इसकी हाशिमपुरा गाँव में लिगड़ते ही एकदम सड़क पे है। ये मुझे कहने लगा कि मुर्गे को दाना गिराना, मुझे वहाँ पर छोड़ दे। मैंने इसके दाना गिराने के लिए इसे साथ बिठा लिया और उधर से इसके घर छोड़ने के लिए आ रहा था। जैसे 8-10 आदमी, 10-50 आदमी करीब मेरी मोटरसाइकिल के सामने पत्थर लेकर, डंडे लेगा, हाथों में डंडे लेकर आए और सरिया लेकर आए, ये सब पकड़ कर खींच लिया। मेरी मोटरसाइकिल मेरे सामने ही ये सब बुरी तरह डंडों से और इंटों से मारना शुरू कर दिया और जैसे ही मारा, मैंने कुछ कहा तो मुझे भी चमार गिट्टड़ बताओ ना, कहने लगा बंदा निकल गया। मैंने फिर पुलिस को फ़ोन करा, मौके पर पुलिस ने इसे घर में से, उनके घर में से निकाला, पीटते पीटते से घर में ले गए थे, खींच के घर में था। पुलिस ने मौके पर मुझे निकाला थाने में, इसका मेडिकल कराने के लिए थाने में था, सीधा यहाँ से अस्पताल मेडिकल करा थाने में। कल का मुकदमा लिखा हुआ, आज भी तहरीर दे दी बल्कि।